mabitikitchen.com में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट अपलोड देखने। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की बेहद आसान रेसिपी। तो मैंने आज लौकी की मिठाई बनाई है, तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया बनी है हमारी मिठाई। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक लौकी ली है, इसको मैंने छील लिया है और अब हमें इसे इस तरह से राउंड शेप में कट करना है। तो इसके लिए हमें लौकी थोड़ी सी इस तरह से लंबी वाली चाहिए है, गोल वाली लौकी नहीं चाहिए है। और इसको हम इस तरह से कट करेंगे राउंड शेप में, रिंग की तरह। और इसका जो बीच का हिस्सा है उसको हमें निकालना है। तो इसको हम चाकू की सहायता से इस तरह से राउंड घुमाते हुए इसको निकाल लेंगे। अगर आपके पास कुकीज कटर है तो आप उससे भी निकाल सकते हो इसे, नहीं तो आप चाकू से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और इसी तरह हमें सारे राउंड लौकी के बना करके तैयार करने होंगे। देखिए इस तरह से हमें निकालना है। तो सारी लौकी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए लौकी हमारी कट करके एकदम तैयार है। तो अब हम यहाँ पर एक पतीला लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे और सारी लौकी के पीसेस को हम उसमें डाल देंगे। और अब हम इन लौकियों को अच्छी तरह से धो लेंगे। इस तरह से हम इसे धो करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है, तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा रखेंगे और उसमें हम डालेंगे एक ग्लास पानी। और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी ली है। और अब हम चीनी को थोड़ा सा चलाएंगे ताकि ये घुल जाए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, अभी सिर्फ चीनी को घोलना है। और देखिए चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल गई है। तो अब हम इसमें जो हमने लौकी कट की थी उसे डाल देंगे, जिसको हमने धो करके रखा था। एक एक करके हम सारी लौकी को इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसे एक बार चला देंगे इस तरीके से। और गैस का फ्लेम अब थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर, तो यहाँ पर फूड वाला मैंने ग्रीन कलर डाला है, इससे लौकी को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा और हमारी मिठाई भी बहुत सुंदर दिखेगी। तो अब हम इसी तरह से इसको कर करके इसे ढक देंगे और इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका लेंगे। 7 से 8 मिनट बाद आप देखेंगे कि हमारी चाशनी जो थी चीनी का शीरा वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और लौकी भी हमारी पक जाएगी और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है इसका, ये देखिए। तो जब ये नरम हो जाएगी तो हमें गैस को बंद कर देना है। अगर आपको लगे अभी नरम नहीं हुई है तो थोड़ी देर और पका लीजिएगा। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, तो बर्फी के लिए हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो पैन में हम सबसे पहले एक ग्लास दूध डाल देंगे, कोई भी दूध आप ले सकते हैं, फुल क्रीम या बिना क्रीम वाला। और अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने 5 चम्मच चीनी ली हुई है। आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और इस समय में गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा ही रखना है। और दूध को हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, तो आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है। पांच से सात मिनट बाद आप देखेंगे दूध थोड़ा थिक हो जाएगा, अच्छी तरह से पक जाएगा।
तो अब मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है एक छोटी कटोरी, इसे भी डाल देते हैं। और चम्मच के हिसाब से नापे तो हमारा मिल्क पाउडर 8 चम्मच है। और इसे अब हम इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि इसमें कोई गुल्ठे ना पड़े। अगर आपको लगता है मिल्क पाउडर में गुल्ठे पड़ रहे हैं तो आप गैस को बंद करके इसे चलाइए और इसके बाद गैस ऑन कर लीजिए। तो अब हमें दूध को लगातार चलाते रहना है। तीन से चार मिनट बाद आप देखेंगे कि मिल्क पाउडर भी हमारा गाढ़ा हो गया है। देखिए पकने पर आ रहा है और ये इस तरह से हो गया है। और अब मैंने यहाँ पर नारियल लिया है जिसको कद्दूकस कर लिया था, सूखा नारियल है तो इसे भी डाल देते हैं। आप इसकी जगह गरी का बुरादा भी डाल सकते हैं और इसे भी हम इसमें डाल करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये देखिए ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से हम इसे 1 मिनट तक और कुक करेंगे। और हमारी फिलिंग बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई है, देखिए सूख गई है बिल्कुल, हमें इसी तरह की चाहिए। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और साथ में इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट मिला देंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको अच्छी लगती है आप इसमें डाल सकते हैं। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और जो लौकी थी वो भी हमारी ठंडी हो गई है, देखिए। तो अब मैंने एक छन्नी ली है तो इसके ऊपर हम इसको निकालते हैं। तो नीचे एक प्लेट रखेंगे और सारी लौकी की रिंग्स को हम इसमें निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने लौकी की रिंग्स को निकाल लिया है और बचे हुए शीरे से आप शक्करपारे बना सकते हैं या फिर हलवा बना सकते हैं, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लौकी की बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्लेट में पहले हम इस रिंग को इस तरह से निकाल लेते हैं, सारी रिंग्स को हम इसमें निकाल लेंगे। और जो फिलिंग हमने बना करके तैयार की थी वो भी अब हमारी ठंडी हो गई है तो उसे हम चम्मच से इस तरह से इसके बीच में भर देंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो सारी मिठाइयां हम इसी तरह से करते हुए तैयार करेंगे। दबाते हुए इसको भरते जाएंगे हम। तो ये देखिए लौकी की मिठाई हमारी बन करके तैयार है और अब हम इसे गार्निश कर देते हैं थोड़े से रोज पेटल्स के साथ। तो आप इसे चेरी के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए लौकी की बर्फी हमारी बिल्कुल बन करके तैयार है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत है। तो कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छी तरह से लौकी भी पकी है और बहुत ही बढ़िया लगती है ये खाने में। आप इसे कभी भी बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी रेसिपी को कर दीजिए लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।